ट्रेनों के माध्यम से अवैध मादक पदार्थों पर अंकुश लगाए जाने जीआरपी पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जीआरपी पुलिस को प्लेटफॉर्म नंबर 1 में गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक हाथ में बैग लेकर दिखाई दिया, जिसके साथ एक अपचारी बालक भी हाथ में बैग लिए हुए था, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। वहीं जीआरपी पुलिस ने दोनों को पकड़कर नाम पता पूछा, जिसमें उक्त युवक ने अपना नाम सकलदीप थाना पाटन झारखंड का होना बताया। वहीं संदिग्ध चंदन और अपचारी बालक के बैग की तलाशी लिए जाने पर उनमें से 12 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा, जिसकी कीमत 2,40,000 रुपए थी, मौके पर पाया गया, जिसे जब्त कर आरोपी चंदन शर्मा और अपचारी बालक को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वहीं इस मामले में जीआरपी एएसपी रेल इसरार मंसूरी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि आरोपी झारखंड शक्तिपुंज से मादक पदार्थ गांजा लेकर गोवा लेकर जा रहे थे, जिन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 1 में घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक श्रुति सिमाला प्रसाद के मार्गदर्शन निर्देशन में जो कि हमारी जबलपुर SRP हैं, DSP लोकेश मार्को साहब, TI बलराम सिंह यादव साहब, इन लोगों के द्वारा जीरो टॉलरेंस के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें TI बलराम सिंह यादव द्वारा जब से ये प्रभार पे आए हैं यहाँ पे, इनने अपनी एक टीम गठित की और उसके फलस्वरूप कल रात में प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेलवे स्टेशन से गांजा तस्करी करते हुए आरोपी चंदन कुमार शर्मा, पिता मोहन मिस्त्री, उम्र 21 साल निवासी सगल दीपा थाना पाटन जिला पलामू झारखंड, और उसके साथ में एक अपचारी बालक, इनके पास में दो बैग थे जिसको चेक किया गया तो उसमें लगभग 12 किलो गांजा कीमती 2,40,000 रुपया का बरामद हुआ। इनसे पूछताछ की गई है तो ये इन्होंने बताया कि ये झारखंड से लेकर के आ रहे थे और इसको लेकर के गोवा देने के लिए जा रहे थे। इस पर अभी इनके द्वारा विवेचना की जा रही है और जहाँ से ये स्रोत से माल लाया गया और जहाँ DNA बताया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर विशेष रूप से GRP थाना प्रभारी बलराम यादव, ASI महेंद्र सिंह धुर्वे, विनोद तिवारी, गणेश प्रसाद तिवारी, अमित कुमार, मनीष शर्मा, गोपाल सिंह, परशुराम यादव, रविकांत रजक, महिला अर्चक लक्ष्मी धुर्वे, राज साहब और ये शर्मा क्या हर स्वरूप शर्मा, इन लोगों का विशेष योगदान रहा है और इन टीम को पुलिस अधीक्षक का महोदय सुमाला प्रसाद द्वारा जो है तो पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई है।